हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान। आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में कुवैत के अंदर से दो बहुत बड़ी अपडेट है, तो क्या है वो अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। सबसे पहला यह है कि बहुत बड़ा कानून लागू किया गया है उन लोगों पर जो इलीगल कुवैत के अंदर रहते हैं। अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा और उसके ऊपर क्या बहुत बड़ा कानून बना है आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और साथ ही साथ एक नया वीजा के ऊपर अपडेट है, तो क्या होगा अपडेट वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मालूम चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुवैत की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनको सीधा हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा और उनको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कुवैत में आने का। लेकिन इस पे बहुत बड़ा अपडेट यह है कि जो भी लोग कुवैत से डिपोर्ट किए गए हैं वो 5 साल तक किसी भी GCC कंट्री के अंदर नहीं जा सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप कुवैत से डिपोर्ट किए जाते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप पकड़े जाते हैं इलीगली, अगर आप डिपोर्ट किए जाते हैं कुवैत के अंदर से, उसके बाद जितना भी GCC कंट्री है, मतलब गल्फ काउंसिल कंट्री, जिसके अंदर UAE मतलब दुबई, अबू धाबी ये सब भी आता है, और साथ ही साथ सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरेन, जितना भी मैंने आपको कंट्री का नाम बताया है, आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं अगर आप कुवैत से डिपोर्ट होते हैं किसी भी रीजन से। तो उसके बाद अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर ये ट्राई करेंगे जो भी मैंने आपको नाम बताया है, आप नहीं जा सकते हैं, 5 साल के लिए बैंड हो जाएंगे। 5 साल के बाद आप किसी भी GCC कंट्री के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप दोबारा कुवैत के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा कोई मामला आता है या कानून आता है, सबसे पहले मैं आपको खुद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी टाइप से इलीगली अगर कुवैत के अंदर रह रहे हैं तो आप ट्राई करें किसी भी वास्ता से लगा के आप लीगल होने का। और प्लीज अगर आप कुवैत के अंदर रहें तो लीगली रहें, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह भी कहा है कि टोटल एक्सपर्टी जो यहाँ पे इलीगल रहते हैं कुवैत के अंदर, उसकी जो संख्या है वो 1,60,000 है टोटल। मतलब ये कि 1,60,000 लोग जो है वो कुवैत के अंदर इलीगल रहते हैं, और इन सारे लोगों को जो भी इलीगल है कुवैत के अंदर सबको 4 बार मौका दिया गया था। जब कुवैत के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लोगों को 4 बार अपील किया गया था कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि कोई भी अपील नहीं होगा, अब सीधे पकड़ने के बाद सीधे डिपोर्ट किया जाएगा विद इन 15 दिन के अंदर, और उनको दोबारा जिंदगी में कभी भी कुवैत में आने का मौका फिर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 5 साल के लिए GCC कंट्री में वो बैंड हो जाएंगे। तो बस आप इतना समझ लो कि 1,60,000 लोगों को फिर दोबारा कभी भी मौका नहीं मिलेगा कुवैत में आने का। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुवैत की दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट के अंदर ये है, दूसरी अपडेट बताने से पहले मैं आपको एक दुबई का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि दुबई के गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जो दुबई में पहले काम कर चुके हैं और जिनका एज 60+ है, उनको दुबई के अंदर नागरिकता दिया जाएगा रहने के लिए, और उनको वीजा भी फ्री दिया जाएगा, उनको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो डिसीजन है दुबई ने 3 दिन पहले लिया है, लेकिन मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ कि जो अगला अपडेट जो मैं कुवैत का बताऊंगा, जैसे कि वो अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जितने भी 60+ लोग हैं उनको 500 KD से लेकर 700 KD का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो इसी पे कॉलेज कोर्ट जो है उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि कुवैत कैबिनेट और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर इस पे कुछ अलग फैसला ले, और ये डिसीजन किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है और उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो कुवैत में बहुत सालों से रह चुके हैं। तो इस पे पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर और कुवैत कैबिनेट जल्दी एक मीटिंग करने वाले हैं, जो 1-2 दिन के अंदर में हो जाएगा वो मीटिंग, और मीटिंग के बाद क्या इंश्योरेंस के लिए फैसला लिया जाता है ये सारा कुछ आपको अगले वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। उम्मीद है कि 500 और 700 KD का जो भी लगने वाला है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उसको कुवैत कैबिनेट और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से हटा दिया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। ओके, तो बात करते हैं कि जो पहले मैंने आपको दुबई का एग्जांपल दिया है, दुबई का एग्जांपल मैं इसलिए दिया है कि दुबई से सीखना चाहिए कुवैत को कि अगर कोई एक्सपर्टी जो बाहर से काम करने के लिए आए हुए हैं कुवैत के अंदर और वो अपने लाइफ का सारा टाइम अगर कुवैत को दिया है तो उनको भी रिस्पेक्ट के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए कुवैत के अंदर। इस पे आपका क्या राय है प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके की सारी अपडेट मिलती रहती है आपको कुवैत का। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं आयान और आप देख रहे हैं कुवैत जो अपडेट। थैंक यू।